सो एंजाइटी जितनी भी है, छोटी छोटी चीजें आप समझते हैं, दे अफेक्ट, अल्टीमेटली दे अफेक्ट, दे ईट यू अप. हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इम्यून सिस्टम, स्टमक एंड डाइजेशन सिस्टम, सत्यानाश इनको ले जाएगी. और ये शुरू कहां से होती है? छोटी सी एंजाइटी. यहां तक के स्टडीज कहती हैं कि 98% ऑफ ऑल द फिजिकल डिजीजेस आर रिलेटेड टू स्ट्रेस. तो अगर मैं अब आपको पता चला मैं होलिस्टिक लिविंग पे क्यों काम कर रहा हूं, कट दिस स्ट्रेस ऑफ फ्रॉम द लाइफ. और कहते हैं ना 80-20 का रूल है, एक काम में ऐसा क्या करूं जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो. तो अगर 98% बीमारियों की जड़ ही स्ट्रेस है तो फिर होलिस्टिक लिविंग में बात करो जहां पे से स्ट्रेस जनरेट ही ना हो. ओके, उसके पीछे वजूहात हैं ये. हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, डायबिटीज, एस्थमा, कोल्ड, फ्लू, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, स्किन डिसऑर्डर, उसको नेम इट यार, स्ट्रेस. आप तो छोटी सी चीज समझते हैं. ओके, जो बच्चे हैं ना सानू स्ट्रेस नहीं हैगा. ये सिर्फ बेटा मैटर ऑफ एज है. अभी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है दैट यू कैन फाइट स्ट्रेस. 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपकी हालत भी वही होगी जो आपकी माँ की थी या बड़े की थी, उनको भी हो जाएगा. तो इसको अभी रोक लो, टेक इट सीरियसली. और स्ट्रेस होता क्यों है मैंने आपको बता दिया. कॉग्निटिव रिस्पॉन्स जो आपका फर्क है ना, वैन यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. आपके माँ बाप ने आपको दुनिया के चैलेंजेस के लिए तैयार ही नहीं किया. एक बीवी बच्ची है, उन्हें PhD कर ली है, माँ ने उसको ये नहीं बताया कि सास कैसी होती है और खावन कैसे होते हैं, रोटी कैसे पकाई जाती है, और शाम को जब खावन थका हुआ आता है उस वक्त तेरी PhD साइड से रह जानी है अगर उन्होंने खाना ना लभ्या. अब वो जाती है PhD जनाब और 19वें ग्रेड की जॉब कर रही है, घर जाती है हाँ, गाड़ी चलाती हुई, खावन कहते हैं कितने था रोटी कितने. अब नाउ शी फेल्स टू हैंडल दैट सिचुएशन जो रियल लाइफ सिचुएशन है, क्योंकि ये जो इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विल लीड टू स्ट्रेस. तो अपने बच्चों को उस दुनिया के लिए तैयार करें जो जिसमें चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, कंपेटिटिवनेस है. उसके लिए अगर वो तैयार है तो उनका स्ट्रेस नहीं होगा. अच्छा यार देख लेंगे, अरे देख लेना यार, बच्चियां थी ना जो कि इतने बड़े सिस्टम को चलाती थी और जनाब पूरे मेरे घरों की जिम्मेदारियां उठाती थी. देवर केपेबल है ना, देवर कॉम्पिटेंट है ना, देवर प्रिपेयर्ड फॉर इट. मेरे तो अपने चाइल्डहुड के मुझे याद आती हैं, मुझे हमारे जमाने में आप तो वो तो बीत गई 30 साल से, दिल करता कभी कभी मूवी को पुरानी देखने को लेकिन टाइम ही नहीं मिलता. हमारे जमाने की मूवी होती है उससे मुझे एक याद पड़ता है, पता नहीं उस जमाने के जो हीरो थे वो एक खैर आज के हीरो में उस जमाने के हीरो में ही बड़ा फ़र्क है. तो हेमा मालिनी थी या पता नहीं कौन थी, तो वो खामद घर आता है और वो थका हुआ टूटा हुआ आता है, उसके ना बटन टूटा होता है. वो उसे कुछ नहीं कहती कि वो लड़के आया है, उसको डांटती बिल्कुल नहीं है. और वो उससे कहती है गिर गए थे, चोट लगी थी, पानी पी ले, टांग दबाती है, दाग साफ करती है, खून साफ करती है, उसका बटन लगाना शुरू कर देती है. तहम्मल से कोई रिएक्शन नहीं किया. करते करते वो खुद ही आगे से कहता है वो मैं आज खुद बोलता. मैं ये सोच रहा था अगर आजकल की औरत हो, आ गए फिर लड़के. इन टॉलरेंस के लेवल की बात बता रहा हूँ. देवर वर्डली वाइज वुमेन. उस देखें उस जमाने की हीरोइन भी वही बताती होंगी ना जो समाज में होता होगा.
उस जमाने में ये होता था, खुद बोलता था वो बंदा, बट देन ही विल फील सेफ, ही विल। अच्छा, अब आप किसी से कुछ कहें, उसको पता कि मुझे रैपरी मैन होना, वो क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा, उन्हें एक्सीडेंट हो गया से, वो झूठ गया, और या कोई यार मिल गया से, वो बॉस आ गए थे कराची तो झूठ ही बोलेगा ना, और क्या करेगा, उसको पता है इट्स नॉट सेफ प्लेटफॉर्म, मैं सच नहीं बोल सकता। और अगर आपने वो उसके साथ रवैया किया तो वो बेचारा शर्म से ही मर जाएगा। तो ये मुआशरे में चेंजेस आई हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बच्चियां कोप अप ही नहीं कर सकते चैलेंज।